हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे रीड एंड लीड डिफेंस स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल कैंडिडेट आर्मी किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्जर जनरल ड्यूटी, इस पोस्ट को आप किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं, क्या इसमें एज लिमिट मांगी जाती है, हाइट कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें आपको मैं बता दूँ कि 2019 25 अप्रैल से 8 जून तक जो इसके फॉर्म अप्लाई चले हैं, यह भर्ती आई थी 100 पोस्टों के लिए। यह फर्स्ट टाइम आर्मी में वैकेंसी आई है। अभी आपको मैं बता दूं कि जो है जो भर्ती है आर्मी में हर साल आया करेगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोल्जर जीडी के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। चलिए, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल की। आर्मी में जो होता है सबसे मेन होता है फिजिकल। यदि आपने फिजिकल पास कर लिया तो ऐसा मानो कि आपने 70% जो है नौकरी अपनी अपने खाते में कर ली। बात करते हैं इसमें जो आपकी पोस्ट होती है सोल्जर जीडी की, इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मांगी जाती है 17.5 से 21 साल। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकती हैं, 17.5 से 21 साल तक इसमें एज लिमिट मांगी जाती है। और फिजिकल में आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 1.42 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी हाइट 1.42 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आपका वेट होना चाहिए वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में आप जो हैं 10th पास होने चाहिए। 10th में आपके जो हैं मिनिमम 45% नंबर आपके होने चाहिए और जो हर सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होने चाहिए। आपकी ये थी क्वालिफ़िकेशन। अब बात करते हैं, यदि हम आपको बताऊंगी जो फीमेल कैंडिडेट का जो आपका फिजिकल है, इसमें सिर्फ इतना चेंज किया गया है कि जो मेल कैंडिडेट का होता है वो यहाँ पर आपकी जो हाइट मांगी जाती है मेल कैंडिडेट की 1.70 सेंटीमीटर मांगी जाती है। सिर्फ इतना चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं आपकी जो फिजिकल में हाइट 1.42 सेंटीमीटर, अब रेस कितनी चाहिए। रेस में हम बात करते हैं, रेस चाहिए आपको 1600 मीटर, जिसमें आपको जो फर्स्ट ग्रुप का टाइम मिलेगा 7.5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा फर्स्ट ग्रुप का, और सेकंड ग्रुप का टाइम दिया जाएगा 8 मिनट। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप को कितने नंबर मिलेंगे। इसमें जो फर्स्ट ग्रुप को नंबर मिलते हैं 60 नंबर मिलते हैं। 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है और जो सेकंड ग्रुप में आता है उसको 48 नंबर मिलते हैं। और उसके बाद आपको जो है जंप पास करने होंगे। इसमें आपके दो तरह के जंप होंगे, लॉन्ग जंप और हाई जंप। हाई जंप आप देख सकते हैं, लॉन्ग जंप की डिटेल भी सब यहाँ पर दे रखी है। लॉन्ग जंप आपका होगा 10 फीट, आपको 10 फीट लॉन्ग जंप कूदना है। सिर्फ यह क्वालिफाई है, इसके कोई भी नंबर नहीं दिए जाते। हाई जंप होता है 3 फीट, आपको 3 फीट हाई जंप की प्रैक्टिस करनी है। यदि 3 फीट आप जो है ऊँची कूदती हैं तो आप जो है इसमें सिलेक्शन पा सकती हैं। यह भी क्वालिफाई है, इसके भी कोई नंबर आपको नहीं दिए जाते। आपके जो नंबर जुड़ते हैं इसमें रेस के और आपके रिटर्न एग्ज़ाम के नंबर इसमें जोड़ दिए जाते हैं। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको जो है इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आपको जो है नंबर दिए जाते हैं आपका जो है एनसीसी सर्टिफिकेट किस टाइप का है। यदि एनसीसी सर्टिफिकेट आपका ए है तो आपको जो है 5 नंबर की छूट दी जाएगी रिटर्न एग्ज़ाम में। और यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर की छूट मिलेगी। यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको सिर्फ जो है रेस क्वालिफाई करनी है, उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ आपको जो है रेस पास करनी होगी, आपको सीधे जो है किसी भी प्रक्रिया से गुजरना नहीं होगा। बाद में सिर्फ आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका जो है सीधी ज्वाइनिंग उसका। इसमें जो है आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता है। यदि आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है सबसे पहले फिजिकली होता है। फिजिकल में मैंने आपको सबसे पहला बता दिया है कि आपकी 1600 मीटर रेस, उसके बाद आपका हाई जंप लॉन्ग जंप, और आपका जो है क्वालिफिकेशन 10th पास, हाइट जो आपकी होनी चाहिए 1.42 सेंटीमीटर, और एज लिमिट 17.5 से 21 साल आपकी जो है एज होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका होता है फिजिकल, यदि आप पास कर लेते हैं तो फिजिकल के बाद आपका जो मेडिकल होता है, मेडिकल पास करने के बाद आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होता है। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है।
इस प्रकार जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है जीडी का। यदि आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।